हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं डिस्प्लेस वन पार्ट, मतलब डॉप। ओके, तो यहाँ पर लिखा है फाइट अ प्रिंसेस। हमें यहाँ पर राजकुमारी को ढूंढना है और मुझे लगता है वो जो राजकुमारी है वो उस गेट के पीछे है, मगर यहाँ पर एक सैनिक खड़ा है और उसी के साथ उसका भेड़िया है, कुत्ता है, क्या है ये। पर जैसा कि देख सकते हो यार, हमें कुछ भी करके उस गेट के पार जाना है या मतलब हमें गेट को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले की लगा कर देखते हैं, बट ये मना कर रहे हैं। इसकी बहस क्या करूँ भाई, कुत्ता भी घुरा रहे यार। चल चल ठीक है ठीक है। और यहाँ पर एक बियर की बियर कप है, तो क्या मैं इसको दे सकता हूँ। ओ खुश हो गया ये, मतलब खुश तो नहीं हुआ बट ये चौंकिया क्या दे दिया इसने मेरे को। और यहाँ पर ये मीट है तो हम इसको दे सकते हैं। और चुपचाप से अब हम कोशिश करते हैं भाई गेट को खोलने की। और खुल गया। ओ भाई, ये राजकुमारी है। कौन से राज्य की राजकुमारी थी भाई ये? लग रही वैसे ये भी नहीं लग रही भाई राजकुमारी। मेक हर ब्यूटीफुल, तो हमें इसको बहुत ही ज्यादा सुशील एंड सुंदर बनाना है। तो मेरे पास दो पोर्शंस हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना थोड़ा डरावना हो सकता है। तो मैंने वो सुअर बन गई भाई ये तो। अबे मेंढक सुअर, मेक हर ब्यूटीफुल भाई, क्या करना है हमें, यही तो करना है ना। ओके, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये सुंदर कैसे बनेगी। दोनों के दोनों पोर्शन फेंक के देख लिए बट कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो रही यार राजकुमारी में। मुझे ऐसे लग रहा है जो पीछे की तरफ आप महल देख रहे हो ना, हमें वहां पर पोर्शन तो नहीं फेंकने बट उस पर क्या ही असर होगा यार। तो पोर्शन भाई मिक्स। ओ भाई, पोर्शन को मिक्स कर सकते थे। अबे यार, इतनी मेहनत करवा दी बट ये वाला लेवल थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। बट जैसा कि देख सकते हो, ये एक पहाड़ है जिसके बीच में एक बंदर वाला गेट है भाई, जो भी है ये। हमें इस गेट को खोलना है। तो एक तो मेरे को यहाँ पर, ओके तो दूसरा वाला यहाँ है एंड जो थर्ड वाला जो क्रिस्टल हम यहाँ लगा देते हैं एंड यहाँ से भाई खजाना। वाह यार भाई, क्या सीक्रेट बेस बनाते हैं भाई पहले के बंदे। और यहाँ पर एक ड्रिंक का कॉफी, तो हमें इन आंटी या दीदी जी के लिए कॉफी बनानी है और इनके पास कॉफी ही नहीं है। चलो ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ ना हम कॉफी डाल देते हैं और जो ऊपर उस साइड है वहाँ पानी आ जाएगा। एंड खुश हो रही है भाई। अभी चलना भाई, चलेगा कैसे ये? अबे चल जा। अच्छा मिल गए इसको, चल पी आराम से। इस अंकल जी के सपने को हमें पूरा करना है, तो शायद से ये रॉक स्टार बनना चाहते हैं। तो इनके पास एक टूटा फूटा सा गिटार है, तो एक काम करते हैं, इनको एकदम मस्त वाला। भाई क्या हैरान हो गए, तो खतरनाक गिटार कैसे आया। और यहाँ पर एक माइक है, तो शायद से मेरे को माइक स्टैंड पर लगाना है। और भाई साहब, इनके बाल तो बड़े ही गजब है, और कैसे नाच रहे भाई वो। और यहाँ पर एक गेट रिड ऑफ द वैम्पायर, तो हमें इस वैम्पायर को किसी भी तरीके से भगाना होगा। तो सबसे पहले सूरज। ओ भाई, सूरज से बच गया यार। एक काम करते हैं, बल्ब लगाते हैं। अबे भैंस क्या, दोनों से बच पा रहे हैं बट ये लहसुन क्या करेगा, सुंगाना है क्या इसको? नहीं, एक सेकेंड। ओ खा लिया वो। ओ भाई क्या। फाइंड ए डायमंड, यहाँ पर हमें हीरा कहाँ से मिलेगा। बट जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर एक तो मस्त सी पेंटिंग है, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसी के साथ में यहाँ पर की है, बट मेरे को ना कोई भी कुछ ऐसी चीज नहीं दिख रही जहाँ पर हम इस की को डालकर डायमंड को ले सके। और यहाँ पर तकिया दे रखा है भाई, ये ले अंकल जी सो जाओ। और जो मैंने अभी पेंटिंग रखी थी, देखो वो बच्चा ना अभी मतलब सोने के मूड में है। उस तक किसे वो सो गया भाई, पेंटिंग में बंदा कैसे चल रहा है यार। और अब क्या करना है भाई? हेलो, ओ ये क्या, ओ भाई क्या चल रहा है यार। ये लेवल मेरे को बहुत ही ज्यादा एपिक लगा। और ये जो चाबी है उसके पीछे लोकर है यहाँ से। यार क्या खतरनाक डायमंड है वो। बट जैसा कि देख सकते हो, मेक अ कंपोजाइट स्केच। ओके तो यहाँ पर गाइज़र हमें ना स्केच बनाना है। तो सबसे पहले अंकल जी की दाढ़ी आ गई, मतलब दाढ़ी नहीं, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, नीचे वाला पार्ट होता है। और ये आंखें आ गई और ऊपर की तरफ भाई इनकी टाट आ गई। और ये ओ भाई जेल के अंदर बंद हो गए यार, वो डर गए बेचारे। और ये है हमारा नेक्स्ट लेवल, मेक अ ड्रीम कम ट्रू। अभी इसकी इसका कोई सपना है जो कि हमें पूरा करना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमें एक फ्रॉक पहनानी है, उसी के साथ में ये लाइट्स है। ये लाइट मेरे को लगता है ऊपर लगेगी। ओ भाई टहनी पे लग गया यार लाइट। और ये जूते कैसे पहनेगी? ओके, तो पीछे वाले पांव में मैं इसको जूते पहनाने हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इस पर। इस पीछे वाले बंदे को देखो भाई, कितनी भी बॉल लगी होगी इसके मुंह पर। पर जैसा कि देख सकते हो यार, हमें इसको बचाना है। और जो इसका हाथ है भाई, एकदम लाल हो गया भाई बॉल पकड़ पकड़ के। और उसी के साथ में हम इसको हेलमेट देते हैं एंड ये शायद से चेस्ट पर लगता है। यस, तो इसको हमने यहाँ पहना दिया। भाई साहब, अब पूरा जो बैट्समैन है वो ही डर रहा है। इस बच्चे की हाइट हमें इस स्केल के बराबर करनी है। और यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक तो है टेबल, ये ले भाई टेबल पे खड़ा हो जा, बट ये तो चीटिंग हो जाएगी ना। और यहाँ पर शूज है, यहाँ पर कुछ खाने का सामान है। कुछ हुआ था अभी, ओ पैंट दी चोरी है इसकी। ओ भाई कुछ गलत ना हो जाए यहाँ पर, बट यहाँ पर मैंने उसके बाल खड़े हो गए। ये अंकल जी काफी ज्यादा सहमे सहमे से लग रहे हैं, तो सबसे पहले इनको ना एकदम निन्नी करवा देते हैं अच्छी वाली। चलो भाई ये सो गए भाई, अपना सपना देख रहे हैं। और यहाँ पर ये फैंस है, क्या मैं इनके सपने के अंदर घुस सकता हूँ? ओके, तो वहां पर फैंस लगा दिया। काम करते हैं, शीप कैसे रहेगा भाई, इसको भी वहीं लगा देते हैं। और ये वाह भाई, मस्त सपना देखने लग गए। क्या खतरनाक बिल्ली है भाई ये, बट ये काफी ज्यादा उदास है क्योंकि इसको एक भी मछली नहीं मिल रही। तो पहली बात, उसने एकदम नकली सी डंडी पकड़ रखी है, तो हमने इसको रोलर दे दिया। और
भाई ऊपर भी होता है ये, और यहाँ पर ये कुछ पकड़ने का है जिससे कि मछली वछली यहाँ पर अटक जाएगी, उसी के साथ में कीड़ा है जो कि हमें इसमें फंसाना होगा, और यहाँ पर भाई कितनी इससे भी बड़ी मछली है, तो मेंढक भी हैरान हो गया इतनी बड़ी मछली देखकर। इस फल का हमको ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहले काम करते हैं जो अपग्रेड देख रहे हो हमें इसको, और अबे बच्चा निकालेंगे क्या इसमें से, ठीक है भाई इसको कैच करके हमें शायद इस प्लेट में रखना है, उसी के बाद अब इसको ना सील देते हैं। चलो भाई भाई कौन कौन से लेवल आ रहे हैं यार ये, गेट हिम टाइड अप हम, ओ ये सेंटा क्लॉज है, ओके यहाँ पर इनकी दाढ़ी आ गई, चश्मे आ गए, वाओ अच्छे हो मस्त है। इस जगह पर हमको एक स्टैचू सा बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर भाई साहब कितना बड़ा पत्थर आ गया, उसी के साथ में कील वील ठोकी उसके ऊपर हैमर मारते हैं, और ये एक बहुत ही मस्त सी पेंटिंग जैसा कि देख सकते हो शायद से गाइजर ये ना एक फार्मर है, और इसको ना इस जगह पर जीतना है क्या। यहाँ पर हमने एक बॉक्स रखा, बॉक्स के ऊपर टमाटर रखा, और ये इंजेक्शन क्या हम टमाटर पे मार सकते हैं, इससे टमाटर बड़ा हो जाएगा और ये जीत जाएगा। इस गोलकीपर को हमें बॉल को कैच कराना है, बट जैसा कि देख सकते हो हमारे पास ग्लव दे रखा है, बट इस नूबड़े ने तो पहले से ग्लव्स पहन रखे हैं, तो एक क्यों है इस ग्लव को पहनेगा। बट एक सेकंड, ये फुटबॉल हमें कहाँ इसके मुंह पे फेंक के मारनी है, नहीं। और यहाँ पर नीचे जैसा कि देख सकते हो शैडो दे रखी है, तो क्या मेरे को बॉल को वहां पर रखना है। ओ भाई ये ले, अब तो पहन ले ग्लव्स, व्हाट ओ भाई इसके हाथ पे, कौन सा प्राणी है ये, तो शायद से हमें यहाँ पर ग्लव्स पहनाने हैं। ओके तो एकदम इजी पीजी, मेरे को शायद से और नीचे करने, हाँ ठीक है तो फाइनली नीचे हो चुके हैं उसके। ओके तो यहाँ पर तीन लेडीज हैं, और यहाँ पर हमारे पास तीन सामान है, तो हमें इनको एकदम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला जो पैसा है, पैसा कौन रखेगा, मुझे लगता है ये वाली आंटी जी रखेंगी। चलो भाई इनको दे दिया, और ये बुक भाई ये स्टूडेंट लग रही है तो इनको ये बुक दे देते हैं। बट भाई चिढ़ गई भाई, इसको पढ़ा रहे होने इसलिए। और यहाँ पर इंजेक्शन है, ये ले भाई, और खुश हो गए सब। सामने वाले घर की बिल्डिंग में कोई ना कोई तो खड़ा है, और हमें उसको देखना है, हमें नहीं भाई ये जो खेल रहा है उस नूबड़े को देखना है। बट यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो एक लड़की खड़ी है, ओके बट यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मीटर से लगाना है, एक काम करते यहाँ लगाना है। अब मोटू सिंह दूध पी रहा था भाई, वो लड़की समझ खेल रहा था। कलर द नंबर्स, तो ठीक है सबसे पहले जो वन नंबर है हमें, ओके तो ये पिक है, और दूसरा वाला यहाँ पर मर्ड आ जाएगी, तीसरे में ये पीछे जो हर्ट्स है वो होते हैं, और वाओ भाई क्या मस्त लग रही पेंटिंग, कैसे खुश हो गए। बेचारे अंकल जी काफी ज्यादा उदास लग रहे हैं, और यहाँ पर हमें तीन चीजें दे रखी है, ये वाली लाइट, ओके तो ये भाई क्रिसमस ट्री पर लगेगी, और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टेप लगा देते हैं, अब ये जो राउटर का है प्लग यहाँ लगेगा, जिससे कि भाई खुश हो गया यार बेचारे। अबे ये जादूगर है क्या, ओके तो सबसे पहले ओ भाई ये कुछ अलग ही चीजें, मुझे लग रहा है कोई कैमरा वैमरा है भाई, शायद से मैंने बहुत पहले इसको शायद से देखा था यार कहीं ना कहीं। बट ये कॉइन है, हमें इस कॉइन को कहीं ना कहीं तो डालना है, और यहाँ पर ये लिवर है तो इसको हमें घुमाना है, और भाई को गाने बजते इसमें से, वो बंदर आ गया, इस बंदर को देना क्या कॉइन। अच्छा भाई ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर ये बंदा अपने बाइसेप्स दिखा रहा है, यहाँ जोकर है उसी के साथ में खरगोश है, तो हमें यहाँ मैच करने में समझ गया खरगोश आएगा, क्योंकि वो हैट में से निकलता है ना खरगोश, और यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग का सामान है, तो यहाँ पर बाइसेप्स आएंगे उसी के साथ में, ये देखो जूते जोकर वाले, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। बेचारे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पूरा हाथ लाल हो रखा था, और यहाँ पर इसको मास्क पहनाते हैं उसके साथ में, ये ले हॉकी स्टिक। यहाँ पर ये दोनों ही शेप्स इस भेड़िए को देखकर क्या खतरनाक तरीके से कांप रही है, तो शायद ये कुत्ता भेड़िया जो भी है हमें इसको भी शेप बनाना है क्या। ओके सींग लगा देते हैं इसके भाई, ऊपर लगेंगे सींग, अरे वाह अब चाहिए शांत हो गई। ये अंकल जी यहाँ पर खाना वाना बनाते हैं, तो इनके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टोव रखना है, उसके बाद यहाँ पर ये एक वेट का स्टैक आ गया, एंड इसके ऊपर मेरे को सॉस डालनी है, लेट्स गो। बेचारे की चड्डी देखकर हंसी आ रही यार इस पे। ओके तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ना हमें सबसे पहले इसको तगड़ा करना है, इसको खाना खिलाना है, तो यहाँ पर इसके अंदर अंडे डालने हैं क्या, ओके इसके अंदर मैगी वैगी आ जाएगी, ये ले भाई खा ले, बराबरी टक्कर दे रहा भाई, चड्डी भी टाइट हो गई। इस पजल को सॉल्व करना ऐसा क्यों लग रहा है कि डिफिकल्ट, वो नहीं होने वाला, ठीक है तो यहाँ पर ये आएगा, एंड देन ये येलो वाला यहाँ पर, ये कोई कुत्ते का आइकन लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है जो भी है। यहाँ पर ये साधु बाबा तप कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर दो चीजें दे रखी है, ओ भाई एक आंख खोलकर देख रहे हैं ये तो, और ये जो कांटेदार है, ओ जादू कर रहे हैं भाई, अलग ही तांत्रिक अंकल है ये तो। थैनोस का हाथ यहाँ पर क्या कर रहा है, बट जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर तीन मणियां हैं, तो हमें इनको इस जगह पर प्लेस कर रहे हैं, जिससे कि ये कमरा शायद से एक चुटकी में साफ हो जाएगा। बट यहाँ पर एक गोल वाले इधर आएगा, एंड ये जो ग्रीन क्रिस्टल है हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, और भाई एक चुटकी में भाई अगर ऐसा होने लग गया ना मजा ही आ जाएगा। ठीक है मैं आपकी मदद कर देता हूँ सर जी, सबसे पहले इसको हेड बनाते हैं, उसके बाद इसकी फ्रॉक, क्या ऐसे कपड़े सच्ची में होते हैं क्या। पूरा दम लगा दिया उस बंदे ने यार फिर से हमें राजकुमारी को ढूंढना है कि वापस से भग गई यार वो, वैसे वो लड़का था भाई साहब राजकुमारी के भेस में था वो, बट एक सेकेंड वो कहाँ है राजकुमारी, झाड़ी के पीछे है। ओके तो क्या हमें इसको लिप बाम लगानी है। क्या है भाई ये, यहाँ पर एक काफी ज्यादा छोटा सा चूजा है, मतलब मुर्गी का बच्चा, और यहाँ पर ये जीन्स है, तो हमें ये इसके अंदर, अरे भाई ये ओ
भाई अलग ही प्राणी बन गया भाई ये तो। भाई जानवर भी डेट्स पर आने लग गए क्या? बट यहाँ पर हमें इन दोनों को खाना खिलाना है भरपेट। ये लो भाई, नहीं ज्यादा पास नहीं जाना, पिटोगे। भाई कैसे कैसे काम करा रहे हो यार हमसे, छी। बट ठीक है, हमें काम तो करना पड़ेगा। करना क्या है भाई, इसके अंदर कैसे होगा ये आर्मपिट साफ? ओके लेट्स गो। ओके फाइनली यहाँ पर बहुत सारी चीजें हट चुकी है, उसके बाद ये ब्लेड मार रही है। करना क्या भाई प्लीज जी। एंड फाइनली काफी क्लीन लग रही है। मेरे पास अल्फाज नहीं है भाई ये वाले लेवल को देखकर तो, पर ठीक है यार मेरे को बिल्कुल समझ आ गया यहाँ पर हमें क्या करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो कोक है इसको पूरा फिल करते हैं, उसके साथ यहाँ बर्गर रखते हैं और ये यहाँ पर। बट जो हमारे फ्रेंच फ्राइज है नूबड़े बाहर में बैठ रहे, यार मस्त लेवल था भाई सच्ची में। इसके बाल कितने ज्यादा मैच कर रहा है फ्रेंच फ्राइज से। इस प्यारी सुशील सुंदर कन्या की हमें मदद करनी है, तो यहाँ पर जो इसकी बास्केट है वो फ्रूट से भरनी है। बट एक सेकंड भाई, ये फ्रूट्स तो इन्हें वेजिटेबल है, और इसके पास एटीएम कार्ड है। मुझे ऐसा लग, जो पीछे वाले आप वो देख रहे हो ना स्ट्रॉबेरी ग्रेप्स, भाई वो फ्रूट्स हैं, बट मैं उनको रख नहीं पा रहा भाई बास्केट के अंदर। आखिर कैसे होगा ये वाला लेवल? ओके ये दूध फ्रूट तो इन्हें होता है। ओके पुट भाई साहब, मारो मुझे मारो। आउच कुछ ज्यादा तेज मार दिया भाई। ये क्या है भाई फ्रूट? भाई तुक्के में हाथ चला गया, मतलब कि हमें वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वहां पर लेटर फ्रूट्स, हमें वो रखना था भाई। भाई साहब कितना तगड़ा स्पिनर है यार ये। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रखने हैं हमें इसके अंदर। एंड ये और स्पिन भी कर रहे हैं। ओके ओ भाई ये गोल गोल चक्कर मार रहा है एस्ट्रोनॉट भाई, क्या मस्त लग रहा है यार। डिस्ट्रॉय द एविडेंस, ठीक है। तो सबसे पहले शायद से हमें अभी डिस्ट्रॉय, ओके ठीक है वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद में अच्छा ये वाला भी है। अच्छा तीनों की तीनों फोटोज हैं, मुझे लगा कुछ आउटपुट्स हैं ये। और यहाँ पर हमें पौधे को प्लांट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर उसके बाद पानी डालते हैं। एंड कैची, कैची की दे रखी है भाई, कैची से घास काटते हैं यार फूल फूल। ओ अच्छा अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है हमें क्या ये तो नहीं काटना सेव। और ये न्यूटन वाला सीन है भाई। इन अंकल जी की हमें मदद करनी है रोड को पार कराने के लिए, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हमने रेड लाइट ग्रीन लाइट लगा दी, उसी के साथ में भाई ये रहा हमारा रास्ता। आ जाओ जल्दी आओ, इधर आओ। अबे आके नहीं दे रहे। आई होप गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।